हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन किया था, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया था, उसके बाद हमने रिडक्शन रिएक्शन किया था और लास्ट में हमने रेडॉक्स रिएक्शन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने कहा एक चैनल में प्लेलिस्ट बनाई है, तो उससे आप देख सकते हो। अब हम करेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन और बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। ये जैसे एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट साइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड आप चेक करोगे तो Fe कितना है यहाँ पे, 1, कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, मतलब क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो ये 1 है यहाँ पे Fe, और यहाँ पे चेक करोगे तो Fe कितने हैं, 3। तो यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे Fe 3 है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड और जितने भी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट साइड, अगर वो अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे आप यहाँ पे चेक करोगे ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने 1 और प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट कितने 4 है, तो वापस ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड। मैं वापस रीड करता हूं, द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। खास करके क्या आपको याद रखना है, नॉट इक्वल टू, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, अगर इसको आप बैलेंस करो, यहाँ पे आप 4 लिखो और यहाँ पे आप 3 लिखो, मैं कैसे आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों सेम हो, जैसे मैं इसमें करके बताऊंगा कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अगर वो दोनों साइड क्या हो, सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या उसकी डेफिनेशन होगी, केमिकल इक्वेशन हैज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू ऑन बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर नंबर ऑफ एटम दोनों दो साइड सेम हो तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं तो आपको मैं यहां पे समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम पूरी इक्वेशन में कितने हैं, तो यहां पे लिखोगे आप नेम ऑफ एटम, क्या लिखोगे आप, नेम ऑफ एटम, ठीक है। यहां पे लिखोगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड, तो ये इसको बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, तो ये LHS और RHS। तो LHS क्या है, रिएक्टेंट है, और RHS क्या है, RHS प्रोडक्ट साइड है। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एटम कितने नंबर है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ एटम, कौन से एटम है वो हम लिख डालते हैं। तो यहां पे कौन सा है, Fe है, उसके बाद कौन सा है, हाइड्रोजन है, H2 नहीं लिखना है, जितना सिंगल लिखना है, एलिमेंट सिंगल लिखना है, तो H है तो H लिखेंगे, तो यहां पे H है, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन, तो वो लिखेंगे। अभी रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितने Fe है प्रेजेंट, तो कितने 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। अब ऑक्सीजन कितना यहाँ पे, 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1। अब वैसे ही यहाँ पे राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट साइड Fe कितने यहाँ पे, 3, तो यहाँ पे Fe 3 लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, सॉरी पहले हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हमारे पास, 2, तो यहाँ पे भी क्या है, 2, तो यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन 4। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस कैसे करोगे आप, तो मैं आपको मेथड बताता हूँ वैसे आप बैलेंस करना। तो सबसे पहले आप मेथड करना किससे, सबसे पहले आप बैलेंस करना मेटल को। अब मेटल किसको बोलते हैं, तो आपने क्लास 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, तो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वैलेंस सेल होता है, इसमें अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलेंगे, मेटल। तो मेटल मतलब क्या, कि वो एटम जो पॉजिटिव आयन बनाए उसको आप समझ सकते हो मेटल बोलेंगे। तो मेटल सबसे पहले आप बैलेंस करोगे किसको, मेटल को, उसके बाद किसको बैलेंस करोगे, नॉन मेटल को, मतलब जिसके वैलेंस सेल में, यहां पे लिखता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर कितने हो, 1, 2 या 3 हो, उसको बोलेंगे मेटल।
अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, 5, 6, 7, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन मेटल। और 8 भी गिन लो आप यहाँ पे, तो 5, 6, 7, 8 हो, उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। उसके बाद बैलेंस करोगे हाइड्रोजन को, और लास्ट में आप बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को। ये मेथड आप याद रखना, सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे, मेटल को, उसके बाद किसको, नॉन मेटल को, उसके बाद हाइड्रोजन को, और उसके बाद ऑक्सीजन को। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे करता है, तो इस मेथड से आप जाना। तो मैं आप वैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे Fe, तो Fe क्या है, मेटल है, उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे Fe कितना है, यहाँ पे 3 है, राइट हैंड साइड Fe कितना है, 3, यहाँ पे 1 है। तो क्या करूँ इसको मैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों साइड क्या होगा, नंबर सेम होगा। तो यहाँ पे क्या करा हमने, 3 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, यहाँ से जाते हैं तो मेटल सबसे पहले हो गया, तो Fe बैलेंस। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, अब चेक करोगे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस है। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप चेक करोगे राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे इसको, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 4 × 1 = 4। तो मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। और याद रखना, आप जो भी नंबर लिखो वो बाहर लिखना है, एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो उसके बाहर के साइड लिखना है। मतलब आप क्या करो, जो भी एलिमेंट है उसमें बॉक्स कर डालो। तो आप क्या करो, इसको बॉक्स लिखोगे तो इससे क्या होगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, उसके आउटसाइड लिखेंगे। तो Fe के आउटसाइड लिखना है हमको 3, और यहाँ पे क्या लिखना है, H2O के आउटसाइड क्या लिखना है, 4। तो अब आप चेक करोगे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अनबैलेंस हो गए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस है, कितने है, 4। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो क्या किया हमने, अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। आप चेक करोगे 4 × 2 = क्या होगा, 8। अब वापस हमको बैलेंस करना पड़ेगा इसको हाइड्रोजन को, तो क्या करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने होंगे, 8, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 4 × 2 = 8। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आउटसाइड का लिखेंगे 4। अब आप चेक करोगे तो ये रिएक्शन बैलेंस है, कैसे, अब Fe चेक करो तो Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी Fe क्या है, 3। अब आप चेक करो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 × 1 = 4 है, और यहाँ पे भी क्या है, 4। अब आप चेक करो हाइड्रोजन, तो 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम कुछ एग्जांपल और करेंगे, और उस एग्जांपल में हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये मैंने मेथड बताई, तो आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में कैसा आता है, सिर्फ 2 या 3 मार्क का आता है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, उसमें आपको स्टेप बताना नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैंने आपको मेथड तो पढ़ाई है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, आपको 3 इक्वेशन दी होगी और बोलेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, उसमें मेथड नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, मैंने कुछ 6 एग्जाम्पल लिया है, कुछ ईजी लिया है और कुछ डिफिकल्ट लिया है, तो उसको हम बैलेंस करेंगे डायरेक्ट वे से। तो इसके लिए मेथड क्या है, सबसे पहले आप बैलेंस करोगे मेटल को, उसके बाद नॉन मेटल को, उसके बाद हाइड्रोजन को, और उसके बाद किसको करोगे, ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे तो सोडियम कितना है, यहाँ पे 1, और यहाँ पे सोडियम कितने है, 2, तो ये मेटल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड कितने है हमारे पास, सोडियम 2, और यहाँ पे कितना है, 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ, सोडियम बैलेंस हो गए। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करें हम, यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लिखेंगे तो क्या होगा, 1/2 × 2, क्या होगा, 1/2 × 2 = क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर भी 1 है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो क्या करो, ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या मिलेगा हमको, मैं फाइनल इक्वेशन लिखता हूँ, तो हमको मिलेगा 4Na+O2 गिव्स, यहाँ पे 2O2 आएगा, 2O2 गिव्स, सॉरी यहाँ पे O2 आएगा, तो O2 गिव्स NO2 और O। मैंने क्या किया, ये पूरी इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर है, फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं लिखना है तो क्या करो, यही इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो। अब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, HNO3 CaOH twice CaONO3 twice और H2O। तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस करेंगे हम मेटल को, तो मेटल कौन सा है, कैल्शियम, तो यहाँ पे कैल्शियम बैलेंस है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है। अब हम बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन को, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे NO3 ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है, 3×2 = 6। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन 2 है, वहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन चेक करेंगे, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे 2 है, सॉरी ये 2 और ये 2 कितना होगा, यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे भी 2 है, मतलब कितने हो 4, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए 4, 2 2 4, और यहाँ पे कितने हैं 4, तो मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 3 6, और यहाँ पे आप चेक करोगे 2, तो क्या होगा 6 + 2 क्या होगा 8, 6 + 2 8 होगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 6, और यहाँ पे क्या होगा 2 1 2, तो यहाँ पे भी 6 + 2 क्या होगा 8, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो इसमें आप चेक करोगे तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये Al, सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, तो मेटल कौन सा है यहाँ पे Al है, यहाँ पे AlO2 है, तो सबसे पहले हम मेटल यहाँ पे राइट साइड पे Al2 है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है Al1 है, तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, मतलब क्या हुआ हमारा Al बैलेंस हो गया। अब हम क्या बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आप चेक करोगे यहाँ पे 3 1 3, और ये 3 2 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास 6 है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करें अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो क्या होगा 3 2 6, क्या होगा 3 2 6, क्या होगा 3 2 6, मतलब क्या मिला हमको यहाँ पे, कैसे मैंने किया यहाँ पे O भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 2 6, और ये 3 2 क्या हुआ 6, मतलब क्या हुए हाइड्रोजन बैलेंस। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सेम यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 क्या होगा 6। अब यहाँ पे चेक करेंगे हम ऑक्सीजन 6 है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 3 3 1 3, तो यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन है, और वहाँ पे भी कितने हैं ऑक्सीजन 6 है, मतलब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो ये रिएक्शन कौन सी है ग्लूकोज वाली रिएक्शन है, C6H12O6 गिव्स 6H12O6 + O2, तो ये रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे, तो ये रिएक्शन को चलो हम बैलेंस कर दें, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे कार्बन को, क्योंकि कार्बन क्या है नॉन मेटल है, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6 और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, तो क्या करूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये क्या होगा कार्बन बैलेंस होगा, यहाँ पे कार्बन 6 और यहाँ पे भी कार्बन 6। अब हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, तो क्या करूँ मैं अगर यहाँ पे हमको 12 बनाना है तो क्या करेंगे 6 2 12, तो क्या किया हमने 6 2 12 और यहाँ पे 12, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 1 6, तो यहाँ पे कितने हुए 12 + 6 18 होंगे। अब यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 8 है, तो हम क्या करेंगे जो भी हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन, अब इसको हम नहीं इससे हम बैलेंस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अगर इसको हम इसके आगे कुछ नंबर लिखेंगे तो उससे क्या होगा कार्बन का नंबर भी चेंज होगा, हाइड्रोजन का भी नंबर चेंज होगा और ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो कार्बन कितने हो जाएंगे 12, अब वापस यहाँ पे हमको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब हम क्या करेंगे इसको बैलेंस नहीं करेंगे, किसको करेंगे इसको, तो यहाँ पे 6 है तो क्या करूँ यहाँ पे मैं क्या करूँ हमको 12 करना है, तो क्या करूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो अब वापस हम चेक करते हैं यहाँ पे 6 कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन 6 2 12, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 12 है। अब हम चेक करते हैं ऑक्सीजन, तो 6 2 12 और ये 6, तो 12 + 6 क्या होगा 18, यहाँ पे चेक करते हैं 6 और 6 2 12, तो यहाँ पे कितने 18, मतलब क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं, तो ये रिएक्शन कंबसन रिएक्शन है जो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे, तो यहाँ पे कौन सा है यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे C2 लिखेंगे। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 और ये 6, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 2 4, ये 4 है और ये 3 1 3, तो 4 + 3 क्या होगा 7 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसा कर सकते हो यहाँ पे क्या कर सकते हो 7/2, तो 7/2 × 2 क्या होगा कैसा हुआ यहाँ पे फ्रैक्शन है 7/2 × 2, ये 2 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 7, तो ये भी कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो क्या करो ये पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्या करो ये पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मतलब क्या होगा यहाँ पे मिलेगा हमको 2 C2H6 + 7O2 gives क्या मिलेगा 4 CO2 + 6H2O, तो मैंने क्या किया ये पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अगर आपको ये मेथड समझ में आते तो ये करो, ये ना आए तो ये करो, ये कौन सा है फ्रैक्शन है, अगर आपको फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करो। अब वापस मैं आपको समझाता हूँ एक बार मैंने कैसे किया ये, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा नंबर है कार्बन का नंबर कितने है? हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको यहाँ पे।
अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3 × 2 = 6। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 × 2 = 4, तो मैंने 4 लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे कितने 3 + 4 + 3 क्या होगा 7, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 पहले से है, तो अगर हम अगर हमको यहाँ पे 7 करना है तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे और इसका जो नंबर है वो लिखेंगे, इसका जो नंबर है वो। अगर आपको आंसर क्या, अगर आपको आंसर 9 चाहिए तो आप क्या करोगे 9 लिखोगे, 9/2 × 2 याद रखना। अगर आपको 11 चाहिए तो क्या लिखेंगे आप 11/2। अगर आपको 13 चाहिए तो क्या लिखोगे आप 13/2। अगर आपको 10 भी चाहिए तो क्या लिखोगे 10/2, तो आंसर क्या होगा 5। तो वो भी आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो सिर्फ ये रिएक्शन के लिए, किसके लिए ये रिएक्शन के, क्योंकि ये रिएक्शन आती है कंबसन रिएक्शन है, ये चैप्टर 4 में वापस यूज होगी। अब हम लास्ट रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2+1, यहाँ पे 2+1 कितना होगा 3। अगर हम यहाँ पे 3 नंबर लिखे तो क्या होगा नाइट्रोजन 3, मतलब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम बैलेंस करेंगे किसको, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे चेक करोगे 4 और यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो वापस 8 हो जाएगा, +4 क्या होगा 12। मतलब हमने ये नंबर लिया है, ये नंबर इवन ऑड नहीं हो सकता, कौन सा होना चाहिए इवन, तो मतलब ये नंबर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए 4, तो अगर यहाँ पे मैं 4 लूँ तो यहाँ पे क्या होगा 2 और यहाँ पे 1, तो 2+1 क्या होगा 3, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब नाइट्रोजन 2 यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी 4 हो गए, मतलब बैलेंस यहाँ पे 2+2 = 4 और यहाँ पे 4, मतलब नाइट्रोजन बैलेंस। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होगा 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे 4 और ये 4 × 2 = 8, तो क्या होगा 4+8 कितना होगा 12, तो हाइड्रोजन क्या होगा बैलेंस हो गए, क्या होगा हाइड्रोजन बैलेंस। अब हम बैलेंस करेंगे क्लोरीन, तो क्लोरीन भी बैलेंस होगा, देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे Cl2 है, कितने हैं 2, यहाँ पे Cl कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। तो इसमें हमने क्या किया, अगर यहाँ पे ऑड नंबर लिया था उससे ये पूरी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही थी, तो हमने क्या किया यहाँ पे 4 नंबर लिया, उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, उसके बाद क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कोरोजन एंड रेंसिडिटी, करेंगे कोरोजन और रेंसिडिटी, और कोरोजन और रेंसिडिटी ये डेली लाइफ में यूज होते हैं, मतलब आते हैं डेली लाइफ में, आप ये दो फिनोमिना आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोजन मतलब क्या, कि आप नई बाइसिकल लाए, तो नई बाइसिकल लाते हो तो वो सबसे पहले क्या होती है, वो शाइनी होती है, जैसे जैसे टाइम होता है उसके शाइनीनेस क्या हो जाता है कम हो जाता है। अब कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल बाइसिकल है आपकी, आपने नई बाइसिकल ली, अब बारिश हुई, तो बारिश की वजह से क्या होता है कि जो बाइसिकल होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है रस्ट आ जाता है, क्या आ जाता है रस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं कोरोजन, क्या बोलते हैं इसको कोरोजन। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन, अब वो आयरन आयरन की बनी होती है, तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसको क्या बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन मैं आपको समझाता हूँ, तो कोरोजन मतलब क्या कि कोई एक मेटल होगा, जो वो मेटल क्या होगा कि वो मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, कुछ एसिड्स है, CO2 है, H2O है, ऑक्सीजन है, तो उसके साथ क्या होगा रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा एक नया कंपाउंड, जैसे फेरिक ऑक्साइड, फेरेक्स ऑक्साइड, या ऐसा भी होगा आपने कहीं देखा होगा Fe2, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ Fe2O3XH2, मतलब यहाँ पे क्या होता है H2O जुड़ता है लेकिन उसका नंबर फिक्स नहीं होता, ये नंबर क्या होता है अनफिक्स होता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो Fe2O3.XH2O। तो ये दो एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल किसके ऑक्सीडेशन के, अपने ऑक्सीडेशन पढ़ा मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन पढ़ाया, तो ये दो एग्जांपल किसके, ये दो प्रोसेस कौन सी है ऑक्सीडेशन की है। तो इसमें डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ मेटल आर अटैक बाय द एटमोस्फेरिक एजेंट, एटमोस्फेरिक एजेंट मतलब क्या, एसिड है जैसा कार्बोनिक एसिड है H2CO3, उसके बाद H2O है, उसके बाद CO2 है, मॉइस्चर होता है मतलब H2O होगा, उसके बाद CO2, उसके बाद O2, तो ये जो ये क्या है एटमोस्फेरिक एजेंट है, और इस एटमोस्फेरिक क्या है एजेंट है, तो एटमोस्फेरिक एजेंट क्या करेगा इसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ मेटल के साथ, और क्या बनाएगा फेरिक ऑक्साइड बनाएगा या फेरस ऑक्साइड बनाएगा, किसके साथ वाटर के साथ। तो ये दो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम कोरोजन। तो क्या होगा इसमें डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस इन विच द सरफेस ऑफ मेटल आर अटैक बाय द एटमोस्फेरिक एजेंट, लाइक कौन से है? मैंने लिखा है एग्जाम्पल O2 CO2 H2O या कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो इसके एग्जाम्पल कौन से है, ये आपके NCERT में दिया हुआ है, तो कौन से एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर
और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, मतलब आयरन है तो आयरन पे क्या होता है रस्टिंग। तो ये एग्जांपल तो आपने देखा ही होगा, ब्लैक मतलब जो आयरन होगा उस पर रस्ट हो गया होगा, मतलब ब्राउन कलर का रस्ट होगा। ये सिल्वर, तो सिल्वर पे कौन सा कलर हो जाता है, ब्लैक, ब्लैक 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 कलर हो जाता है। तो क्या वो क्या होगा, ये एग्जांपल है कोरोजन का। उसके बाद कॉपर पे ग्रीन कलर होना, तो ये क्या थे एग्जांपल ऑफ कोरोजन थे, ये क्या थे सब एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अब हम करेंगे रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसा खाना है तो खाने के अंदर क्या होता है, फूड है, फूड के अंदर क्या होता है, ऑयल होता है और फैट्स होता है। तो ऑयल और फैट्स क्या करता है, एटमोसफियर में ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, उसके साथ रिएक्ट करके उसका क्या हो जाता है, टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है, चेंज होता है। उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या, व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। तो कोई भी फूड है उसमें फैट्स या ऑयल तो होता है, तो अगर फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड है आप ज़्यादा देर तक आप बाहर सराउंडिंग में पुट करते हो, मतलब रखते हो, तो उससे क्या होगा कि सराउंडिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो फूड है उस वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उससे क्या होगा, उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ, व्हेन फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम क्या करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एटमोसफियर में रखते हैं, तो क्या होगा, दे आर ऑक्सीडाइज, क्या हो जाते हैं वो, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय द एटमोस्फेरिक केमिकल, किससे, बाय एटमोस्फेरिक केमिकल, ड्यू टू विच, उससे क्या होता है, इसका स्मेल और इसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। तो ये एग्जाम्पल था। अब ये कोरोजन है, कोरोजन के प्रिवेंशन क्या है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर है इसके प्रिवेंशन, और वो प्रिवेंशन आपके जो नया सिलेबस बना है उसके अंदर प्रिवेंशन नहीं है, लेकिन कोरोजन टॉपिक चैप्टर 1 के लिए है। कोरोजन आपको करना है लेकिन इसके प्रिवेंशन नहीं करना है। जैसा क्या है, जिंक आप लगा सकते हो, उसके ऊपर आप कलर कर सकते हो, उसके ऊपर ग्रीस लगा सकते हो, तो ये क्या है, इसके प्रिवेंशन है कोरोजन के। अब रेंसिडिटी के प्रिवेंशन कौन से है, इसको आप एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो, इसको आप फ्रीजर में रख सकते हो, इसमें इसको आप नाइट्रोजन गैस के अंदर रख सकते हो। जैसे आप फूड पैकेट होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो खाना है वो लॉन्गर टाइम तक रहे, तो हम वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन पुट करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी खाना है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2।